आमंत्रित करूंगी, जो पूरे देश के अंदर अपने सौम्य स्वभाव से मृदुभाषी से जाने जाते हैं, दक्ष रणनीतिकार हमारा भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष हमारा श्री जेपी जगत नड्डा जी को दयमारी नम जनसागर उद्देशी मतनाडु. I would like to request to address the gathering, sir, please. आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय बसवराज बोम्मई जी, हम सबके वरिष्ठतम नेता जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश का मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे श्री बी एस येडियुरप्पा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कटील जी, अरुण सिंह जी जो राज्यसभा में मेरे साथी हैं और यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे महामंत्री और यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता श्री सी टी रवि जी, श्री ए नारायण स्वामी जी भारत सरकार में मंत्री, आर अशोक जी हमारे कर्नाटक सरकार में मंत्री, श्री बी सी नागेश जी जो कर्नाटक के मंत्री हैं, हमारे सांसद और संसद में मेरे साथी श्री बसवराज जी, राजेश गौड़ा जी हमारे यहाँ से सीधा से विधायक, श्री बी के मंजूनाथ जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इस जनसभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने श्री बी एस येडियुरप्पा जी को जो हमारे कर्नाटक के वरिष्ठतम नेता हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, उनका वक्तव्य सुना और साथ में आपने बसवराज बोम्मई जी का भी आपने वक्तव्य सुना. दोनों ही वक्तव्यों में जो मैं कन्नड़ समझ पाया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों ही नेताओं ने यूपीए के जमाने में कर्नाटक को देखने का नजरिया और एनडीए में कर्नाटक की जनता को देखने के नजरिए के बारे में बहुत विस्तृत से आपको बताया कि यूपीए ने और कर्नाटक में यूपीए की सरकार सिद्धरमैया के नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की, उन्होंने कर्नाटक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने सारा समय आपस में झगड़ने में लगा दिया और कर्नाटक की जनता को मुसीबत के आगे खड़ा कर दिया. वहीं जब एनडीए की सरकार आई तो चाहे दिल्ली में मोदी जी हो, चाहे कर्नाटक में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी हो, हमेशा कर्नाटक की जनता की चिंता की गई. बंधुगणे, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬಂದ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರ, ಸಿರ್ಫ್ ಕಹನೆ ಕೇಳಿ ನೀ ಕಹ ರಾ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ನೇ ಭಾರತ ಕಿ ರಾಜನೀತಿ ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲ್ ಡಾಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ भाई भाई को लड़ाकर, गांव गांव को लड़ाकर, इलाके इलाके को लड़ाकर, प्रदेश के प्रदेश से लड़ाकर
वोट बैंक की राजनीति करती थी और वंशवाद को प्रोपोगेट करती थी। लेकिन हमारी नीतियों के माध्यम से हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति बदली, वंशवाद समाप्त करके विकासवाद को शुरू किया और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति करती थी और हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसको बोम्मई साहब ने, येडियुरप्पा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की धरती पर लेटर और स्पिरिट में अक्षरशः इसको पूरा किया। मैं यहां यह भी आपको बोलना चाहता हूं कि चाहे देश का विषय हो, जब दुनिया के सारे देश मुसीबत में अपने आप को पा रहे हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि 200 साल जिस अंग्रेजों ने हमें राज किया, आज भारत ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया।